अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी शेफ्स में खुश आमदीद। मैं हूं शेफ अली असगर। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कैरेट केक। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कैरेट केक के लिए सबसे पहले लेंगे हम कास्टर्ड शुगर 350 ग्राम, ब्राउन शुगर 150 ग्राम, 6 अदद अंडे लेंगे, 300 ml हमारा दूध जाएगा और 300 ml ही हमारी दही जाएगी। हैंड मिक्स की मदद से इसको हल कर देंगे। ब्राउन शुगर और कास्टर्ड शुगर हमारी हल हो जाएगी विक्स की मदद से। कास्टर्ड शुगर और ब्राउन शुगर हमारी हल हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 300 ग्राम हमारा ऑयल जाएगा। बाद का लोग बटर से बनाते हैं, मिल्क बटर से बनाते हैं, हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ऑयल के साथ। ऑयल डालने के बाद भी हम इसको हल कर देंगे। ऑयल को भी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 चम्मच, इसको भी मिक्स कर देंगे। लिक्विड सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आएगा हमारा फ्लावर 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर हमारा जाएगा 25 ग्राम, बेकिंग सोडा 5 ग्राम और 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। हल कर देंगे सारी चीज़ों को। ड्राई चीज़ों को भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट। 200 ग्राम हमने कैरेट लिए, क्रश करके इसको हमने डाल दिया इसके अंदर, और वॉलनट हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम। सेम उसी तरीके से हम इसको भी हल कर देंगे इसके अंदर। कैरेट केक जो है बटर मिल्क के साथ भी बन सकता है, और बटर वाइट एंड येलो कोई भी आप ले लें उसके साथ भी बन जाता है, लेकिन ऑयल के साथ बहुत कम लोग बनाते हैं, और हम इसलिए ऑयल के साथ आपको बनाना सिखा रहे हैं ताकि बासानी आपके घर में मौजूद होता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। रेसिपी हमारी कैरेट केक की तैयार हो चुकी है। अब हम इनको मोल्ड में ऐड करेंगे। कैरेट केक की रेसिपी का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसको पैन में ऐड कर रहे हैं। पैन में मैंने पहले से ही बटर पेपर और ऑयल लगा लिया है। सेम दूसरे पैन में भी ऐड करेंगे। कैरेट केक का मिक्सचर मोल्ड में ऐड करने के बाद अब हम इनको बेक करेंगे 150 के टेम्परेचर पर 40 मिनट के लिए। कैरेट केक का स्पंज बेक होने के बाद हमने उसको रखा ठंडा होने के लिए, और अब हम इसकी रेडी करते हैं क्रीम। 300 ग्राम हमने लिया है येलो बटर, फुल ठंडा नहीं लिया, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है, और 150 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम आइसिंग शुगर। तो हम इसमें यूज़ करेंगे मैशर। मैशर से हमारा बटर जो है ना बिल्कुल बारीक सा मैश हो जाएगा। मैशर के साथ हमने इसको क्रीमी टेक्सचर में कर लिया है। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हल करेंगे। चम्मच भी निकाल देंगे। अब हम इसको विक्स के साथ हल करेंगे। बटर और आइसिंग शुगर हमारी मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ के बाद हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे इसमें 30 ग्राम अच्छे फ्लेवर के लिए, और 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और विक्स की मदद से इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस को भी हम बटर में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और क्रीम को दोबारा हम स्मूथ कर लेंगे। कैरेट केक की हमारी बटर क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे फ्रीज़र में। कैरेट केक को, इस स्पंज को हमने मोल्ड से निकालने के बाद इसका पेपर उतार देना है। पेपर उतारने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद अब हम इसको रखेंगे केक स्टैंड के ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे हम जो क्रीम तैयार की थी इसके लिए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरी लेयर इसकी।
इसके ऊपर भी हम क्रीम अप्लाई करेंगे, साइडों पे भी हल्की हल्की लगा देंगे। साइडों से रफ सा एक स्टाइल दे देंगे केक का, बहुत प्यारी लुक लगेगी इसे।